बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनामित। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ईरानी चिकन कढ़ाई, जो बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी और बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह बनेगी। जो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने हाफ कप ऑयल लिया हुआ है, ऑयल गर्म हो गया है। 650 ग्राम हमारे पास चिकन है, हमने वॉश करके रखी हुई, इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे भूनेंगे। यहाँ पर चिकन का कलर देखें आप, अच्छे से यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब इसके अंदर डाल देते हैं 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे अदरक ली हुई है और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लहसुन लिया हुआ है। इसको क्रश करके रखा हुआ है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए और भूनेंगे। अब यहाँ पर हमने एक बड़े साइज की प्याज लेके इसको स्लाइस करके रखा हुआ है, ये इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे। और मीडियम फ्लेम पे इसे कवर करके कुक करेंगे, ताकि अनियन जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए, ये देखें प्याज जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, 4 दरमियाने साइज के हमने टमाटर लिए, इनको कट करके रखा, ये इसमें ऐड कर देते हैं। और इसे मिक्स करेंगे। और इसे दोबारा से कवर कर देंगे, ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 2 मिनट हो गए। यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते हैं साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून, नमक ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून, मिक्स करेंगे। और बाकी जितने भी मसाले हैं वो सब लास्ट में ऐड करेंगे। और वापस से कवर कर देते हैं। और फ्लेम हम इस वक्त लो कर देते हैं, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो गए, ये देख सकते हैं आप, टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब यहाँ पर हमें इसको भूनना है, चिकन वैसे भी जल्दी गल जाती है। फ्लेम हमने हाई कर दिया इस वक्त यहाँ पर। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने लिया हुआ है साबुत धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे हमने लिए हुए कुटी हुई मिर्चें लिए हैं 1 टीस्पून, आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर लिया हमने यहाँ पे 1/4 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर लिया हमने 1/4 टीस्पून, ये सब इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 हरी कटी हुई मिर्चें लिए, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसे भूनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब इसे अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर चिकन जो है ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की भूनकर तैयार हो रही है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसमें डाल लेते हैं कटा हुआ धनिया और 3 से 4 साबुत हरी मिर्च डाल दें आप। इसको दोबारा भूनेंगे। देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर हमारी ईरानी चिकन कढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छे से भुन गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बस अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई यहाँ पे बनकर तैयार हुई है। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए बहुत ही लाजवाब बनी है, देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त शक्ल आई है। अल्लाह हाफिज़।